नमस्कार, मैं प्रिया। साप्ताहिक रोजगार समाचार में आपका स्वागत है। आज रोजगार से जुड़े समाचार में हम बात करेंगे सीएसपी, डीसीएल, इंडियन आर्मी, बीपीएससी, एसआईडीबीआई, सीपीईबी, आईआईटी, एचवीपी, एनएल, आईआरसीओएन, टीपीएससी, बीईएल, एनटीपीसी, टीएनएम, आरबी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड सीएसपीडीसीएल की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है अप्रेंटिस। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 105 है। जहां तक ट्रेड की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, बिल्डिंग मेन टेक्नीशियन, मैकेनिस्ट, टर्नर, वेल्डर और वायरमैन है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास आईटीआई रेलेवेंट ट्रेड में होना जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो एज पर अप्रेंटिसशिप रूल्स ये तय किए जाएंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 30 मार्च 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.csp.dcl.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे चीफ सिग्नल ऑफिसर सेंट्रल कमांड इंडियन आर्मी लखनऊ की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 28 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है, अभ्यर्थियों का कक्षा 10वीं पास होना या फिर इसके समकक्ष कोई डिग्री और प्रोफिशियंसी हैंडलिंग प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज बॉक्स में होना और साथ ही साथ स्पोकन अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान होना और हिंदी में भी जरूरी है। इसके साथ ही उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 25 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 3 अप्रैल 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.indianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है हेडमास्टर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ बिहार गवर्नमेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 6421 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है, अभ्यर्थियों के पास पोस्ट ग्रेजुएशन कम से कम 50% अंकों के साथ बीएड या फिर बीएईडी या बीएससी एजुकेशन और टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड होना जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो 31 से 47 साल के अभ्यर्थी इन पदों के लिए योग्य माने जाएंगे। वहीं एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स रिजर्व्ड कैटेगरी को दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर ओबीसी जो कि बिहार के रहने वाले हैं उनके लिए 750 रुपए और महिला अभ्यर्थी जो बिहार के रहने वाली हैं उनके लिए 200 रुपए है। एससी एसटी पीएच के लिए 200 रुपए और बाकी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट जो दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं उनके लिए 750 रुपए है। आखिरी तारीख 28 मार्च 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है असिस्टेंट मैनेजर जनरल। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 100 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है, अभ्यर्थियों के पास बैचलर्स डिग्री लॉ एलएलबी में या फिर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी फैकल्टी में या फिर सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, सीएफए या फिर पीएचडी डिग्री 60% अंकों के साथ होना जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 28 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1100 रुपए, एससी एसटी पीएच के लिए 175 रुपए है। आखिरी तारीख 24 मार्च 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.sidbi.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड रायपुर की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है पटवारी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 301 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है, अभ्यर्थियों के पास 10+2 और डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में या फिर प्रोग्रामिंग में और साथ ही अच्छा ज्ञान डेटा एंट्री में भी जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 40 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर को 350 रुपए, ओबीसी को 250 रुपए, एससी एसटी पीएच को 200 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। आखिरी तारीख 22 मार्च 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप vyapam.cgstate.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी धनबाद की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है जूनियर सुपरिटेंडेंट एडमिन, जूनियर सुपरिटेंडेंट अकाउंट्स। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 24 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है, अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में 55% अंकों के साथ और 4 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस सिमिलर जॉब या फिर इसके समकक्ष
या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स में 55% अंकों के साथ और 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस, रेलिवेंट जॉब या इसके समकक्ष कोई डिग्री होना जरूरी है। इसके साथ ही एमएस ऑफिस का अच्छा ज्ञान होना भी अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम 35 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ₹500 आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.iitism.ac.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड HVPNL की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है असिस्टेंट इंजीनियर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 62 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो 20 से 42 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो मेल कैंडिडेट सभी राज्यों के उनको ₹500 और महिला कैंडिडेट को जो कि सभी राज्यों की है उन्हें ₹150। मेल कैंडिडेट्स जो कि एससी, ओबीसी, ईएसएम, ईडब्ल्यूएस जो कि सिर्फ हरियाणा के रहने वाले उनके लिए ₹125 और पीएच को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.hvpn.org.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है मैनेजर सीनियर वर्क इंजीनियर सेफ्टी इंजीनियर। डिसिप्लिन की बात करें तो इसमें ब्रिज, अर्थ वर्क, सिविल, जनरल, लीगल सर्वे और सेफ्टी और क्वालिटी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 29 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास डिप्लोमा या ग्रेजुएशन या फिर एलएलबी या पीजी डिप्लोमा रेलेवेंट डिसिप्लिन में होना जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम 35 साल और अधिकतम 50 साल है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 30 मार्च 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.ircon.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन TPSC की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है त्रिपुरा सिविल सर्विस एंड पुलिस सर्विसेज एग्जामिनेशन। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 40 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है अभ्यर्थियों के पास बैचलर्स डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में, साथ ही साथ बंगाली, अंग्रेजी या रीजनल लैंग्वेज त्रिपुरा का ज्ञान होना भी जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 40 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर को ₹400, एससीएसटी बीपीएल कार्ड होल्डर और पीएच को ₹350। आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप tpsc.tripura.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL बैंगलोर की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है प्रोजेक्ट इंजीनियर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 15 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या कम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में या फिर टेलीकम्युनिकेशन में या मैकेनिकल मिनिमम 55% अंकों के साथ होना जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम 32 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एससी एसटी पीएच को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। बाकी सभी श्रेणी के लोगों को ₹500 आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। आखिरी तारीख 23 मार्च 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.build-india.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 60 है। जहां तक डिसिप्लिन की बात है तो इसमें फाइनेंस और HR है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो CA, CMA, MBA, BBA को 65% अंकों के साथ या इसके समकक्ष कोई डिग्री होना जरूरी है। उम्र सीमा अधिकतम 29 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एससी एसटी पीएच ईएक्सएसएम और महिला को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। बाकी सभी श्रेणी के लोगों को ₹300 आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। आखिरी तारीख 21 मार्च 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.ntpc.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम आखिर में बात करेंगे तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड TNMRB की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है नर्स। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 86 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास डिप्लोमा या डिग्री नर्सिंग में होना जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 44 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ₹350 आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। आखिरी तारीख 22 मार्च 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.mrb.tn.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही साप्ताहिक रोजगार समाचार में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।